नमस्कार दोस्तों, द हट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेन सिंह जिंसा वडेरा सच्चा सौदा के बारे में बात करते हैं। जानते हैं कि 3-4 सालों से सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेन सिंह जिंसा समाज में नहीं है, अब क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर? नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा रविंदर पाल जी। सर क्या लगता है आपको 3-4 सालों से क्या प्रभाव पड़ रहा है जब से सेंट डॉक्टर गुरमीत रामरेन सिंह जिंसा समाज में? जब से संत गुरमीत डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जब से वो बाहर गए हैं, तब से इस समाज पर सारे देशों में बहुत बड़ा असर पड़ा है। महामारियां, बीमारियां पहले कभी नहीं सुनी थी, जो नई बीमारी लेकर आई, तो आज सारी दुनिया जो विश्व की शक्तियां थी वो भी त्राय त्राय कर रही हैं। सभी को ज़रूरत है आज मतलब संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की। क्यों सर, मतलब क्यों जरूरत है उन्हें? उनकी ज़रूरत है कि वो समाज की मानवता भलाई के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। 134 मानवता भलाई के काम चल रहे हैं, इसलिए समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को नशा से बचाने के लिए हर बात की ज़रूरत है। किया क्या है सर उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए? देश के आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने देश के हित में बहुत काम किए हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि आज हमारा पंजाब का, हरियाणा का बॉर्डर का इलाका पड़ता है, तो यहाँ का नौजवान पीढ़ी है वो नशे में गढ़ते हैं, जो कि फौज का एक माना हुआ जवान चुना जाता था। आज उनमें दीवानों में ताकत नहीं है, तो वो नशे से खोखले हो गए हैं। तो गुरु जी ने नशा विरोधी लहर चलाई, इससे बहुत सुधार हुआ। बहुत से जो घर नरक बने हुए थे उनका स्वर्ग बना, बहुत उनमें सुधार हुआ। आज वो सारे लोग डेरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्या सर जरूरत है आज संत की? हाँ जी, संत की पूरी पूरी जरूरत है। जब तक उनको नहीं बुलाओगे तब तक आप ये महामारियाँ झेलोगे। सर एक तरफ उनकी मांग है, दूसरी तरफ उनके ऊपर आए दिन ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? ऐसा ही देखो, आरोप तो किसी पर भी लगाए जा सकते हैं, रास्ता चलते आदमी पर केस बनाए जा सकते हैं, झूठे आरोप लग सकते हैं। सच्चाई क्या है सर फिर गुरु जी का क्या कहता है? सच्चाई ये है कि सन 1948 से मस्ताना जी महाराज ने जो वचन किए थे कि हम ये बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, मान सम्मान देने के लिए आज वो मेरा काम कर रहा है। यहाँ तक कि जैसे जो बहन बेटी गलत रास्ते पर जा रही थी, कोठे पर जो पहने थी, उनको आज समाज की मुख्य धारा में ला करके उन बहनों को शुभ देवी का दर्जा दिया गया और उनकी इलाज करवा के अपने समाज के अंदर से ही भक्त योद्धा पैदा किए। गुरु जी की प्रेरणा अनुसार ही, गुरु जी के कहने से अनुसार ही उन्होंने उनसे शादियां करवाई और यहाँ तक कि उन बेटियों को अपना बाप का दर्जा दिया और आप बाप का फर्ज निभा के उनकी शादी भी करवाई। क्या मांग करोगे सर सरकार से आप गुरु जी के लिए? सरकार से हम ये मांग करेंगे गुरु जी को सम्मान के साथ रिहा किया जाए, कि जैसे आज और भी संगठन है, संत समाज संगठन है, वो सारे समाज की सरकार से मांग कर चुके हैं। मोबाइलों पर आप देखिए, जैसे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्र स्वामी महाराज वो पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि स्वामी जी का बार बार यही कह रहे हैं कि भाई संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी हिंसा को सम्मान के साथ रिहा किया जाए। और भी कई ऐसे मंच हैं जो गुरु जी को रिहाई की मांग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए रिहाई की मांग की जा रही है। हाँ जी। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाई और सच का साथ देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।